हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकट सिंह और आपका डीएनए गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईमेल के बारे में, यानी कि वेबसाइट में फ़ोटो कैसे ऐड करते हैं। चलिए ध्यान करते हैं। तो हमारा टेम्पलेट ये है, मैंने ओपन करके लास्ट टाइम हमने सीखा था मेन्यू कैसे डिजाइन करते हैं। ये है मेन्यू का लेआउट, ड्रॉप डाउन कैसे है। अब हाँ, जो लाल पोर्शन देख रहे हैं जो कंटेंट एरिया है, इसमें हम इमेज ऐड करेंगे, वो भी डिफरेंट स्टाइल से, यानी डिफरेंट व्यू से। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, कंटेंट में जाते हैं। कंटेंट में जैसे हमें सेंटर टिप लेने एक, तो सेंटर टिप कॉपी करेंगे, यहाँ रखा और इसको बंद किया। ओके, सेंटर टिप आ गया। अब इसमें हम सीएस में जाके देखेंगे कंटेंट कहाँ है। हमारा कंटेंट एरिया जो हमने बनाया था, ये रहा, हमने इसको कर दिया था रेड, तो मैं रेड को हटा था, ये हटाया तो जहाँ से रिफ्रेश किया ये हट गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं पिक्चर सेक्शन में कोई पिक्चर ऐड करता हूँ, जैसे कि हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पर रखा है मैंने, ये हमारा फोल्डर। तब इसमें पिक्चर ऐड करता हूँ, पिक्चर में गेम है, मैं दो पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, एक लोगो, एक मैं कर रहा हूँ, हाँ जी वाली वाट, दो पिक्चर ऐड करो मैं अभी। तो हमने इसमें पेस्ट कर दी, गेम मोड में जाएंगे तो रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमारी दो पिक्चर आ गई हैं। तो कंटेंट एरिया में जाके तो पहले हम इसमें ऐड करेंगे इमेज सेंटर में, जैसे हमने इमेज इमेज लिखे लिखेंगे IMG, फिर लिखेंगे सोर्स, सोर्स लिख के बाद ब्राउज करेंगे, यानी हमारी पिक्चर है कहाँ, जैसे लोगो वाली पिक्चर है ये लगानी, तो हम इसको बंद कर देंगे। अब पहले देखेंगे पिक्चर आई नहीं आई, उसमें ब्राउज में देखिए पिक्चर आ गई, पर बहुत बड़ी आ रही, हमें चाहिए छोटी। तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो हम इनलाइन स्टार लिख सकते हैं, या सीएस में, हम सीएस में लिखेंगे, इसको देंगे क्लास, क्लास देंगे हमने दे दी इमेज वन, इमेज। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे, इसको कॉपी करके क्लास को तो स्टाइल में रखेंगे, तो स्टाइल में हमने यहाँ देखिए यहाँ पर हमने पाथ रख दिया उसका। हम इसको रिफ्रेश करेंगे, जेवीए पे लास्ट टाइम मैंने बताया था फायरफॉक्स कैसे यूज करते हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए ओपन कीजिए। अब इस एडो से इमेज सेलेक्ट कीजिए, देखिए इमेज सेलेक्ट हो ही नहीं अभी, एक इमेज आ गई हमारी। तो ये क्लास है, क्लास हम देंगे पहले इसको देंगे विड्थ, विड्थ दे देंगे हम 180 पिक्सल दे दी, छोटी होगी हमारी इमेज। तो हमें चाहिए अभी इसके बॉडी चाहिए ऑर्डर, अब इसको स्टाइल देते हैं, ये सिंपल इमेज है लगाने के लिए, तो मैं इसको देता हूँ बॉर्डर, पहले बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, यानी टाइप कैसी हो सॉलिड हो, तो उससे मैं कलर देता हूँ सिल्वर, सिल्वर कलर दे दी। अब मुझे कहीं चाहिए बीच में स्पेस चाहिए पैड, यानी जो पिक्चर आ रही बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए, तो इसके लिए यूज करूँगा मैं पैडिंग। तो पैडिंग यूज की मैंने 0 पिक्सल, जो बढ़ा के मैंने जितनी चाहिए उतनी मैं कर सकूँगी, देखिए मैंने अभी कर ली 22, मुझे 18 ठीक है, जब मैं कम भी कर सकता हूँ जिसने जी मुझे उसने 8 कर ली मैंने, तो अब दूंगा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, ऊपर से स्पेस आ गई इसके जो साइड से होती है, अगर देखना चाहते हैं इस पर हम माउस रखें करें टैप, ये देखें आपको पता लग रही है, जिस येलो कलर का मार्जिन है और पर्पल कलर का पैडिंग है, तो इससे आपको पता चल जाएगा मार्जिन और पैडिंग कितना दे रही है। तो हमें बॉर्डर है, बॉर्डर को हमें गोल करना है, गोल करने के लिए क्या देंगे, बॉर्डर रेडियस,
रेडिस जितना मर्जी दे सकते हैं, जितने चाहो दे सके। ये रेडिस हो रहा है, मैं जो जो पढ़ाता हूँ जो जो वो रेडिस हो, मैं देता हूँ 50% ही। देखिए पूरा राउंड आ गए, तो राउंड के लिए हम इसको कॉपी करेंगे क्लास का और पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो मैंने जहाँ क्लास ली और पेस्ट कर दी, हमें देखना हैं सेम टू सेम वैसे भी आ रहा है चाहे वो अभी वैसे ही आ रहा है, पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं है अभी। हम कैसे हम इफेक्ट देते हैं इसको ओवर कर, और पर कह देंगे कॉपी करेंगे पास को, पेस्ट किया हमने, इसको मैंने दे दी ओवर। जब ओवर हो ना पिक्चर तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं चाहिए। इफेक्ट मैं कह दूंगा बैकग्राउंड कलर, मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर। देखिए बैकग्राउंड कलर देखते हैं अभी कौन सा देना। मैंने हैश टैप किया, ये कलर इसमें से उठा ली गई, जैसे कि जो ये कलर दिया मैंने उठा ली। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फायरबग को बंद कर दूँ। देखिए आ रहा, ओवर करने पर कलर। हमें बता दूँ दूसरी इमेज कैसे ऐड कर, आपको इमेज तो पता लग गई कैसे ऐड करते हैं। अब उसके हम क्लासे बनाएंगे, जैसे हमने जे पी चलिए कॉपी की इसको और पेस्ट कर दी। हम चार इमेज बनाएंगे, इसको दे दूंगा मैं क्लास टू, यानी पता लगे थे हमें। आप चाहे तो नाम कोई भी दे सकते हो क्लास का, जो आपकी मर्जी हो, जहाँ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। क्लास वन क्लास टू, हम क्लास टू को कॉपी करेंगे तो जहाँ पर रख देंगे। तो रखने के लिए कि पहले जेई है, हमने सेम टू सेम जेई क्लास लानी है, तो जेई कॉपी कर लेंगे सेम टू सेम। देखिए मैंने कॉपी कर ली, कॉपी और पेस्ट कर दिया, जे टू जे थ्री जे फोर। अब इसका नाम चेंज करेंगे हम, इसका टू है और इसका थ्री था, तो इसको बनाया था हमने फोर। फोटो बना दी, अब चेक करते हैं ये इमेज आ गई इसमें या नहीं। तो देखिए हमारी इमेज आ चुकी है, सभी एक ही शेप की हैं। अभी हम इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे, जैसे कि चे नंबर टू के मैं इसका बॉर्डर दूंगा फिर 4 पिक्सल, 4 पिक्सल दे दी। देखिए 4 पिक्सल आ गए। ओके अब मैं इसको इमेज यही रहने दूंगा, मैं इसकी पैडिंग बढ़ाता हूँ, नंबर से की पैडिंग करेंगे हम 18। मैंने 18 कर दी, रिफ्रेश की, देखिए जी पिक्चर बड़ी हुई। अब मैं इसको करता हूँ विड्थ करता हूँ 0, इसकी हम विड्थ करेंगे 80 पिक्सल। देखिए जी में छोटे 180 नहीं 160 करते हैं, 160 मैंने कर दी। तो रिफ्रेश के जी में आ गई। देखिए अब टू पर ओवर करते हैं हम, टू पर ओवर करने के लिए क्या करेंगे, क्लास को ओवर करेंगे कॉपी की, इसके नीचे पेज की। तो हमने ओवर करने के लिए एच ओ लिखा, तो हमने स्टार ऐड करनी है। इसमें क्या करना है, जैसे बॉर्डर आ रहा है ना, बॉर्डर हमने दिया था 4 पिक्सल, तो मैं चाहता हूँ इस पर इफेक्ट आए, जब भी ये ओवर हो ना तो इसका रेडियस गोल हो जाए ज़्यादा, जैसे मैं ये कहता हूँ 50% था हमारा पहले। लीजिए हमने, मैं रिफ्रेश करता हूँ जब, देखिए अब ये गोल हो रहा है, पर अब ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, हमें चाहिए बिल्कुल स्लो हो। उसके लिए आप एक यूज़ करते हैं क्लास, यानी एनिमेशन है वो, मैं उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा। उसके लिए लिखेंगे हम ट्रांसमिशन, यानी कि सॉरी ट्रांजिशन, ट्रांसमिशन
ट्रांजिशन लिखें, जे होता है इफेक्ट हमें कौन से देना है, जी जी आउट है ना, लाइन नन इम्पोर्टेंट आर, हम देंगे आर, हाँ देंगे, तो हम देंगे टाइम, टाइम कितना चाहिए, हमें चाहिए 0.5 मिलीसेकंड, यानी 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगे इसको। ठीक है, अब ओवर होने पर तो आराम से हो रही है, पर जब छोड़ते हैं तो तेजी से हो रही है, इसका क्या मीनिंग है, इसको हमने कॉपी करके इसमें रखना है, यानी बाय डिफॉल्ट भी ये फैक्टर है तो बाद में जे रहे ओवर होने पर आवे, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें हो रहा है और स्मूथली, ये होता है एनिमेशन। अब सी एस आई बहुत सारी एनिमेशन दे सकते हैं, एनिमेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा सी हाँ अपनी वेबसाइट एस सी एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं, वही सी एस के द्वारा। चलो हम तीसरा ऐड करते हैं, तीसरे के तीसरे जैसे आप देख रहे हैं बॉर्डर का गैप जो बहुत ज़्यादा, मैं अब इसमें करता हूँ पिक्चर को बड़ी करता हूँ, जबकि मैंने तीसरा ओवर किया कॉपी के तीसरा जहाँ पेस्ट किए, हमें तीसरी ओवर की के लिए क्लास बनाता हूँ, तो इसके लिए मैं करूँगा हमने विड दी थी, मैंने पैडिंग दी थी 18, मैं कैसे कम करता हूँ, पैडिंग करता हूँ इसकी 8, यानी हमने 10 कम की, तो 10 कम की ना ये वृद्धि की 180 है ना, तो इसकी 10 लेफ्ट और राइट से हमने कम की तो वृद्धि हो जाएगी पूरी 200। देखिए 200 की हम रिफ्रेश करेंगे इसको, देखिए ये पिक्चर ये बड़ी हो रही है, पर इसको हम फेर देंगे स्मूथली फेर देंगे, ये देखिए जी हम इसमें दिए बैठ हुए और इसमें रख ली कॉपी करके पेस्ट कर दिए, तो देखिए अब इफेक्ट आ रहा है स्मूथली, देखिए आराम से बड़ी हो रही, हाँ जी पहले वाली को हम अवेयर दें जिससे कलर आराम से है, कॉपी केस को तो पहले के ओवर पर दे दिया हमने, तो इस पर दे दिया हमने, तो अब रिफ्रेश करने पे को देखें ये कलर एकदम से नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे आ रहा, अब इसे टाइम बढ़ा सकते हैं जैसे जी है, अब इसको टाइम करते हैं हम, अभी करते हैं 1.0, जी हो बाहर जाने के लिए ये भी 1.0, आफ्टर अपने टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर दो जितना बहुत चाहिए, किसको स्लो चाहिए देखिए, हम जी स्लो स्लो आ रहे हैं, तो मैं इसको दूंगा इफेक्ट बॉर्डर का, यानी शेडो आए इसके ऐसे पर शेडो आए, तो उसमें पहले हार दूंगा 180, तो इसको और करता हूँ और के लिए मैं यही उठा देता हूँ नंबर 3 वाली जो हमारे पास ओवर है पहले से, इसको उठा के नंबर मैंने 4 कर दी, क्लास चेंज करनी है बस, लीजिए हमने ओवर करके क्लास रख दी हमने इसे, इसमें हम पैडिंग हटा देंगे विड्थ हटा देंगे इसको, हाँ अब देंगे वो बॉक्स शेडो शेडो जी हमने पहले देंगे जी टॉप और बॉटम का 0, लेफ्ट राइट का 0, तो हम देंगे ब्लड के लिए क्या देना है वो, फिर देंगे हम कलर, कलर कोई जूस कर सकते जैसे मैं करूँगा थोड़ा सा ब्ले वाला, ब्लैक प्रॉपर नहीं है ग्रे है, मैं देखता हूँ इस पर, देखिए इस पर बड़ी तो होगी पर आड़ यार किसी वक्त आड़ है, देखिए आप जरा ध्यान से देखिए इसको आएगा ये, हम इसको ऐड करते हैं फायर बग के, देखिए इमेज आ रही है, इमेज को पहले हम सिलेक्ट करेंगे, ये हमने सिलेक्ट की इमेज, तो इसको ओवर के लिए हम देखने ओवर करेंगे
हाँ जे डी ओ, तो मैंने बताया था पहले टॉप का बॉटम का हम छेड़ेंगे, दूसरा है लेफ्ट राइट का, तीसरा है हमारा ब्लड का, तो हमें शेडो कितनी चाहिए? देखिए अभी शेडो 8 पिक्सल कर दी हमने, तो हमने 8 पिक्सल हमें मानो हम जहाँ 8 पिक्सल लिख देंगे, ये लिख दिए हमने 8 पिक्सल, सॉरी गलत हो गए, 8 पिक्सल। तो हम इसको अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें दे बॉक्स शैडो वाली तो आ तो आराम से रही है पर जा आराम से नहीं, तो हमें कुछ मिस है, यानी इफेक्टिव जो एनिमेशन डाल रहा था वो खराब है, तो हम इसमें डालेंगे एनिमेशन, ये एनिमेशन डाल दिया, अब इसको रिफ्रेश करेंगे हम, देखें ये पिक्चर आराम से आ रही है, आराम से बढ़ रही है ना, ये इफेक्ट है हमारे जो हम बहुत अलग अलग इमेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद बढ़ रहे थे, मैं आपको बैकग्राउंड इमेज बताता हूँ कैसे सेट कर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे, पहले मैं एक डिव बनाता हूँ, क्या हमें बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है, डिव जिस तो सेंटर में आएगा, मैं इसके नीचे बनाता हूँ सेंटर के बाद, जी हमारे सेंटर, सेंटर के बाद पहले ये रिमूव करो, इसके नीचे मैंने डिव बनाया, तो मैं इसको क्लास दूंगा बीजी, बीजी इमेज यानी बैक वाली बैकग्राउंड इमेज, तो मैं इसको बंद कर दें। अब इसमें मैं टाइल लिखना चाहूँ लिख भी सकता हूँ, नहीं लिखना चाहूँ लिख नहीं लिखूंगा, मैं लिख लेता हूँ, मैं लिखूंगा हेलो दोस्तों, मैं हूँ, सॉरी मैं कैसे स्पेलिंग गलत पढ़ गया, मैं हूँ पकड़ से, और हम जान देंगे ब्रेक पॉइंट, ठीक है ब्रेक दे दी, जान लिखें आई वेलकम टू डिजाइनर यानी गुरुजी, ओके तो हम इसको सेव करेंगे, तो मैंने ये टेस्ट कॉपी करूंगा, पहले पहले मैं जान दूंगा ब्रेक पॉइंट, फिर दूंगा ब्रेक पॉइंट एक और, क्यों मैं स्विच जाएगी, मैं जहाँ से मैं चलो ब्रेक पॉइंट हटाता हूँ, ये लो इसमें स्पीड डालता हूँ, ये मैंने हटा दिया, इसको मैंने कॉपी किया पड़ा, अब इसको मैं लिखूंगा बहुत सारा, अब देखते हैं जहाँ कैसे आ रहा है, देखिए ये आ रहा अभी सेंटर में नहीं आ रहा क्योंकि हमने सेंटर में डिव नहीं डाला, सेंटर डिव के लिए हम क्या करेंगे ये डालेंगे, जे कॉपी करेंगे, इसको सेंटर में रखेंगे, देखिए सेंटर डिव रख दी, अब डिव बंद करना, हमें डिव बंद हो गए, तो जैसे कि मैंने इसमें बताया इसमें हम देंगे स्पेस, स्पेस के लिए क्या देंगे एंड मार्क एंड बी एस पी, हम इसको कॉपी करेंगे, तीन चार बार पेस्ट कर देंगे चार बार, तो मैंने फिर कॉपी की, इसको सभी लाइनों के लिए पेस्ट करते हैं, इससे क्या होगा हमारा टेस्ट पेज में आ जाएगा, हम इसको देखते हैं फिर रिफ्रेश करके, ओके सेंटर में आया नहीं है, ओके कंटेंट हमने कॉपी की गलती से, हमने करना था सेंटर है, ओके मैं इसकी क्लास नाम चेंज करता हूँ कॉपी करके, हमने दी किसकी क्लास, और देखें दे सेंटर में आएंगे टेस्ट, ठीक है हमारे टेस्ट, अब हमें चाहिए इमेज एक चाहिए बैकग्राउंड पर इमेज चाहिए,
तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे बीजीएमए ये कॉपी की हमने स्टार में जाके पहले हम इसकी चला देंगे, भेज देंगे बैकग्राउंड इमेज। तो ब्रश करेंगे हमने कहाँ रखी है, तो इसमें जे रही इमेज हमारी जो थी हमने कॉपी की, इसको बंद कर दी। अब देखते हैं वहाँ इमेज ये नहीं आई। ओके इमेज तो आ गया, तो हमारी जी इमेज बहुत बड़ी आ रही है, यानी इसको करने के लिए सेट करने के लिए हम देंगे बैकग्राउंड सही। देखिए बैकग्राउंड सही आएगा, तो उसको देंगे हम कवर। देखिए आटो एक काटो वाला अपना सेट हो जाए, दूसरा सा कंटेनर, यानी कंटेनर के लिए सेट हो जाए, हम देंगे कवर इसको, यानी हमें पूरी चाहिए ब्रथ, यानी रेवोल्यूशन जैसा मर्जी हो ब्रथ पूरी आनी चाहिए। ये देखिए अभी पूरे आए हमें, हम इसको एक फैक्ट और देते। आप देखिए जी मैं जैसे ऊपर नीचे करता हूँ जी हमें जी साथ हो रही है, तो इसके मिलने क्या दूंगा बैकग्राउंड फिक्स करने के लिए बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। तो इससे क्या होगा, आपने कई साइड में देखा होगा फैक्टर ये होता है, पिक्चर वहीं रहती है, टेस्ट ऊपर नीचे होता है। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, देखिए पिक्चर वही है, बस ऊपर नीचे में टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट हो रहा है। हम इसको देंगे टेस्ट कलर, अभी कलर देंगे कलर वाइट, तो वाइट के लिए वाइट लेता हूँ। देखिए वाइट दिए, अब इसमें कलर देखते हैं वाइट आएगा, देखिए वाइट आ गया। तो जी इमेज है जी हमारे एम के लिए कुछ वाइट रहा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको फ़ॉन्ट के बारे में, यानी इसमें कंटेंट कैसे ऐड करते हैं और फ़ॉन्ट किस हिसाब से सेट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें।